नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के कुशमोदा बस्ती में करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। वहीं बस्ती के एक युवक को भी करंट लगा है। कुशमोदा बस्ती में सोया प्लांट के सामने श्री हनुमान मंदिर के पास लगी हुई डीपी में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत के नीचे डले हुए तारों की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई है। इस रास्ते पे भी करंट आता रहता है, निकलते में भी। इस करंट लगने से क्या क्या दुर्घटना हुई? एक अगली साल भी एक भैंस मरी थी, कल गई है, बीत गई थी एक की। अभी अभी आज क्या घटना? अब भी हाल आन के नहीं, भैंस मुरक के गई, इतने में गिर गई, हाल साले करंट लग गया उसके। क्या लगता है आपको, क्या विद्युत विभाग की लापरवाही है? विद्युत विभाग की लापरवाही है, पूरे तार खुले पड़े हैं, डीपी में करंट आ रहा हो। अभी निकलते हैं, लाइट करंट देती है पूरी। कई बार फोन लगा है इसकी, वारंटी होना चाहिए कम से कम। आज इनकी भैंस है, मोहल्ला में और भी है, और भी भैंसे आएंगी, उनको भी करंट लग सकता है। निकलते हैं कभी झटके लगते हैं, और स्कूल है पास में, स्कूल बच्चे जाते हैं, मंदिर है पास में, दीवार पे बैठते हैं, वहाँ करंट मारती है। फोन लगाते हैं तो बोलते हैं हम सिगाम कॉलोनी है, कहीं है, मार के चलो कुछ बड़ी घटना हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? मोहल्ला में सब निकलते हैं, बगल में मंदिर है सर, आप बताइए। तो पावर हाउस की लापरवाही है, पूरी पूरी खुले तार हैं, सब कुछ है, पानी आता है तो उधर बाउंड्री पर आता है करंट, में तो मंदिर पर हो जाता हूँ, मेरे बगल में मकान है। गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।